आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री चौहान कल मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के बाद कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, काम में लापरवाही पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि ये सरकार लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। लोक सेवाओं के प्रदाय और शासन की योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित रखने वाले लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों का आधार कार्ड 1 नवंबर तक हर हाल में लिंक किया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री कल सागर जिले में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में किए जाने के कार्य की समीक्षा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री शाह ने कहा कि बच्चों को योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के जरिए ही दिया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि उनके आधार कार्ड को लिंक किया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को इस अवसर पर साक्षरता के महत्व पर जोर डाला जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है डिजिटल विश्व में साक्षरता। उधर भारत योजना के तहत मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रदेश के अधिकारियों को विश्व साक्षरता दिवस पर आज नई दिल्ली में इन पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के रूप में राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जिला लोक शिक्षा समिति टीकमगढ़ को और सर्वश्रेष्ठ राज्य संसाधन केंद्र के लिए राज्य संसाधन केंद्र इंदौर का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में रोटरी इंडिया के सहयोग से 1 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान स्कूलों में स्वच्छता पर केंद्रित निबंध, ड्राइंग, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिताएं छात्रों के बीच की जा रही हैं। इसके अलावा इन स्कूलों में स्वच्छता का विशेष अभियान और छात्रों की जागरूकता रैली भी की जा रही है। अभियान 15 सितंबर तक निरंतर जारी रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़े के दौरान होने वाली गतिविधियों में विशेष सहयोग दे रहा है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने बैतूल जिले के शाहपुर तहसील में पदस्थ एक राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस सूत्रों के अनुसार सलैया निवासी प्यारेलाल मेहरा ने अपने प्लॉट का डायवर्जन कराने के लिए प्रकरण तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया था। डायवर्जन कराने के लिए आरआई मोकल सिंह ने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। प्लॉट मालिक ने पहले ही इसकी शिकायत लोकायुक्त को कर दी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों पर और शेष संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। राज्य में वर्षा के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कटनी, सिवनी, सुहागपुर और अम्बाह में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आगरमालवा जिले के कुंडला निवासी रमेश चंद्र का आधार कार्ड बनाया जाएगा। दरअसल रमेश चंद्र की रेटिना में समस्या की वजह से उनका आधार नहीं बन पा रहा था। जबलपुर कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संबंधित इलाज का जायजा लिया। झाबुआ जिले में कल संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले के विकास के लिए शपथ दिलाई। मुरैना जिले में मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूखा राहत और पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। खंडवा जिले में नेत्रदान पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निजी संस्थाओं ने आमजन को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया। भिंड जिले की एक अदालत ने न्यायालय में झूठी गवाही देने के एक मामले में एक आरक्षक सहित 3 लोगों को 3-3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।